नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज कुछ नए टॉपिक पे बात करूंगा। कोई कंट्री का वैसे कोई मैटर नहीं रहेगा, अपना मैटर मेन मेरा रहेगा कि आप लोगों की नज़र में हो सकता है कि मैं गलत हूं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि लोग व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, रिकॉर्डिंग करके छोड़ते हैं, ठीक है। अब उनको आंसर अगर मैं नहीं देता हूं तो उनकी नज़र में गलत हो गया, उनको नहीं पता, उनको कोई मतलब नहीं होता कि मैं क्या काम करता हूं, मैं कहां बिजी होता हूं, मेरा पर्सनल काम होते हैं, मैं खुद के लिए भी कुछ करना पड़ता है इंसान को। कितने लोगों के मैं आंसर दे पाता हूं, नहीं दे पाता हूं, कोशिश करता हूं मैं इंडियन लोगों के, इंडिया में खास तौर से उनको जो कॉल आते हैं उनको अटेंड करने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी लोगों के इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आते हैं, अपने वीडियो के नीचे भी कमेंट करते हैं, तू झूठ बोल रहा है, लैंग्वेज भी उनकी बहुत शानदार होती है, तू झूठ बोल रहा है, तू फेक है, तेरा नंबर तूने गलत लिखा, क्या मतलब हुआ भाई। अब वो कमेंट मैं देखता हूँ, नोट करता हूँ, रात को 12 बजे कमेंट आ रहा है कि तेरा नंबर बंद आ रहा है। अब उस बेवकूफ़ इंसान को ये समझ में नहीं आता कि रात को 11-12 बजे फ़ोन चालू रहेगा, जबकि वीडियो में साफ साफ दे रखा है कि सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक भाई जितने मेरे पास मैं कोशिश करके कॉल अटेंड करता हूँ फिर भी नहीं कर पाता, मुझे पता है। अब यार अफसोस, आप सोचिए थोड़ा सा, लगभग 40,000 के करीब लोग हैं, 40,000 से प्लस हो गए, तो आप मान के चलिए कि 300-400-500 कॉल एक दिन में आना मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पर डे 10,000 लोग वीडियो वॉच करते हैं। अभी की कंडीशन ये है कि 10,000 लोग, 10,000 व्यूज़ पर डे आते हैं, 10,000 में से क्या 200-300 लोग भी कॉल नहीं कर सकते। अब मेरे लिए वो कितने हो जाते हैं थोड़ा सा आप गौर करिए। फिर भी लोग कहते हैं नहीं हमें जवाब चाहिए, जवाब नहीं दूंगा तो वो या तो गाली लिखते हैं, गलत कमेंट करते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग गलत छोड़ते हैं। रात को मलेशिया में लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, दारू पी के रिकॉर्डिंग छोड़ देते हैं। अब भैया क्या करें बताओ। अब की कंडीशन ये कि पिछले 1 से 1.5 महीने से मैं व्हाट्सएप पे आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। लोगों को पता भी इस बात का, जो व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग या मैसेज या रिप्लाई देते हैं उसमें मैं आंसर नहीं दे पाता। उसमें दिक्कत ये होती है जिस इंसान की मजबूरी होती है कि उससे मुझे बात करके हो सकता है मेरी वजह से उसको गाइड मिल जाए तो उसका समाधान हो जाए, वो भी उसके साथ आ जाते हैं, मोट के साथ गुण फिसा जाता है। 80% फेक आते हैं, कोई मतलब नहीं है उनको। सर जी ये क्या होगा, मतलब मुझे टेंशन हो जाती है कि उसका आंसर बेचारे ने सही पूछा होगा, उसकी नज़र में वो जरूरी नहीं उसको आंसर मिले कि नहीं मिले, लेकिन वो मैसेज ठोक देते हैं एक सीरियस इंसान को, जिसकी वजह से हो सकता है वो मेरे पीछे कई बार देखता हूँ 50-50 मिस्ड कॉल करी होती है लेकिन आंसर नहीं दे पाता। इसका रीज़न ये है कि जो मोट के साथ गुण वाली बात हो गई, जो सही है उनको भी नहीं मिल पाता, जो गलत है उनको तो मिलने का मतलब ही क्या है। अब मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, ये देखिए लगभग मैं बता दूं 3,433 नंबरों की चेट आई पड़ी है, मैं आंसर इनको नहीं दे पा रहा हूं। ये देखिए साइड में देखिए आपको निशान मिल जाएंगे, कितने एक बताएं भैया, इतना मतलब है ज़्यादा। अब इनको आंसर नहीं देता हूं तो ये गालियां देते हैं, ठीक है, या गलत लिखते हैं। अब इनको ये नहीं पता यार इंसान की मजबूरी होती है, वो जवाब नहीं दे पाता। कुछ एक दो इंसान अच्छे भी होते हैं, वो इस बात को समझते हैं। बाकी यार बात वही है, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, क्योंकि इतने मतलब कुछ तो ऐसे नीच इंसान होते हैं जो गाली देना, मैसेज गलत लिखना, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, तेरी ऑफिस का एड्रेस, अरे भाई मेरी कहाँ ऑफिस है यार, मुझे जरूरत ही नहीं है ऑफिस की, समझ गए बात को, कौन सो मेरे को एजेंटों की लोगों की लाइन लगा के यहाँ पासपोर्ट जमा करना है, मुझे ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जल्द ही इसका आने वाले मार्च के अंदर अंदर मैं इसका समाधान सोल्यूशन कर दूंगा, एकदम लिमिट के कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे भैया। ये जो फालतू के कॉल आ रहे हैं ना, इसको मैं बिल्कुल ही ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। अब मैं ब्लैक लिस्ट कैसे करूंगा वो आइडिया आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगा, जिससे जो वो रीज़न होता है ना यार कि मान लीजिए 5 आदमी हैं, 5 में से 4 आदमी ये हैं सिर्फ टाइम पास के लिए फ़ोन करते हैं, सर जी मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, इनको कोई मतलब नहीं है आंसर सर दे या न दे, कोई इश्यू नहीं है। एक आदमी ऐसा है जिसको वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ये इंसान अगर मेरे से बात करे तो उसको लगता है कि यार अपना समाधान हो जाएगा, अगर अपना अपना जो भी है वो बच जाएगा किसी भी चीज़ से जो उसके साथ गलत हो रहा है सिर्फ बात करने से। इन चारों की वजह से ये एक आदमी फंस जाता है। इसका समाधान चारों को लोगों को रोकने के लिए जल्द ही मार्च के अंदर मैं कुछ समाधान ऐसा करने जा रहा हूँ, ताकि जितने भी हैं, क्योंकि एक बात मानिए कि जैसे जैसे चैनल ग्रोथ होगा, एग्जाम्पल के तौर पर 4-6 महीने में 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो दिन के कितने कॉल आएंगे आप थोड़ा सा अंदाज लगाइए, तो मैं तो आंसर दे ही नहीं पाऊंगा।
इतना बिजी तो नेटवर्क कस्टमर केयर पे ही नहीं होता होगा शायद, ठीक है। इन सबको रोकने के लिए जेन्युइन तरीका मैं अपनाऊंगा और आप लोगों के साथ वो आइडिया शेयर करूंगा, इसमें आपका भी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा वेट करिए साथियों, जो व्हाट्सएप पे मुझे कॉलिंग करते हैं, जो मैसेज करते हैं, जिनकी रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ, जल्दी इस चीज़ का समाधान मैं कर दूंगा। इसीलिए मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं वीडियो के माध्यम से बात बताऊँ, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो साथियों थोड़ा सा वेट कर लें, जल्दी अपन समाधान करेंगे, नेगेटिव लोगों को साइड करेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ डायरेक्टली लिंक करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।